बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है टिंडे की बहुत ही यूनिक रेसिपी, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली। तो हम टिंडे की सब्ज़ी बनाएंगे। यहाँ पे इसको टिंडे और टिंशिया भी बोलते हैं। तो देखिए, इसको हम पानी के अंदर ऐसे डालेंगे और फटाफट बनाएंगे। तो इसे बनाना इतना आसान है कि आप बस इसको पानी में ऐड कीजिएगा और उसके बाद 5 मिनट में आपके टिंडे की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 3 पाव टिंडे लिए हैं। टिंडे को हम क्या करेंगे, इस तरीके से काट लेंगे। जिसके अंदर ज़्यादा बीज होंगे वो हम सारे बीज निकालेंगे। तो देखिए, हम इस तरीके से इसके बीज निकाल देंगे। ऊपर से थोड़ा इसका मुंह खोलेंगे और अंदर से चाकू इस तरीके से घुमा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से इसके बीज बाहर आ जाएंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, इस तरीके से हमें बीज को निकाल देना है। ये देखिए, अंदर से एकदम अच्छे से सारे बीज निकल गए हैं। इसी तरीके से हम सारे टिंडे के बीज निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको हमने कढ़ाई के अंदर पहले ही पानी को बॉईल होने के लिए रखा है। तो चलिए, अब हम इसके अंदर पानी के अंदर इसको बॉईल करते हैं। हम सारे टिंडे इसके अंदर ऐड कर देंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया है। तो ये देखिए, सारे टिंडे मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। ऊपर से इसको ढक देंगे। पाँच मिनट के लिए इसको पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए, हमारे टिंडे अच्छे से हो चुके हैं। एक दफ़ा आप इसे चेक भी कर लीजिएगा। तो देखिए, अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे और इसी कढ़ाई के अंदर हमें 1.5 टीस्पून बड़े वाले चम्मच से ऑयल हीट करना है। ऑयल हीट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, इसके अंदर 1/4 जितना ज़ीरा तड़काएँगे। ये देखिए, ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। ये देखिए, प्याज को मैंने लंबा आधा इस तरीके से काट लिया है। प्याज को फ्राई करेंगे, ज़्यादा भुनेंगे नहीं। हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, तब तक हमें क्या करना है, टिंडे को आप चाहे तो इस बड़े टुकड़े में, बड़े साइज़ में रख सकते हैं। मैं इसके थोड़े छोटे टुकड़े करूँगी। इस तरीके से मैं काट रही हूँ। तो हमारे प्याज हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 से 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मसाले को अच्छे से भूनेंगे। दोनों अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। जो मसाले होंगे वे है, सबसे पहले नमक, 1/2 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर कम ज़्यादा अपने हिसाब से, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। ये मैंने स्प्रिंग अनियन और हरी मिर्च और धनिया अच्छे से वॉश करके बारीक चॉप किया है, ये भी मिक्स करेंगे। और मसाले 1 टीस्पून जितनी अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे। फिर इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, इसके अंदर ऑयल आने लगा है। तो हमारा मसाला अच्छे से हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे जो हमने टिंडे काट लिए हैं वो सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम मिक्स कर ले ताकि सारे मसाले अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसको
एक मिनट के लिए मसाले के अंदर इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो देखिए हमारी टिंडे की स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार है, इतनी स्वादिष्ट बनके तैयार हुई थी। तो आप इसी तरीके से एक बार बनाइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप ये रेसिपी रोटी पूड़ी के साथ ज़रूर सर्व करें, और हमें ज़रूर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।